आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम जी कहां चले गए? एक ऐसा स्थान जहां आज भी दिखाई देते हैं परशुराम जी। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सतयुग और त्रेता काल के संधि काल में जन्मे एक महान ऋषि, जो धर्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठवें अवतार थे। हम बात कर रहे हैं ऋषि जगदम्नी और रेणुका के पुत्र परशुराम जी की। परशुराम जी इतने बड़े तपस्वी थे जिन्होंने स्वयं भगवान शिव से कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और भगवान शिव से ही उन्हें फरसा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा परशुराम जी ने कुल मिलाकर 21 बार हैय वंश के क्षत्रियों का विनाश किया था। कहते हैं परशुराम जी के अंदर इतना ज्ञान भरा था जिसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती है। उन्होंने भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोणाचार्य या फिर महारथी कर्ण, सबको ही उन्होंने शिक्षा प्रदान की थी। कहते हैं भगवान परशुराम जी इतने न्याय प्रिय थे कि उनके आगमन से ही समस्त प्रजा निर्भय हो जाती थी। कहते हैं उनके तपोबल और योग बल से समस्त भूमंडल तथा तीनों लोक परिचित थे, हर कोई उनसे डरता था। साथ ही जब वह भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। और कहते हैं कि कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार की शिक्षा और दीक्षा का कार्य स्वयं भगवान परशुराम जी करेंगे और इसीलिए वो आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर परशुराम जी इस समय है कहां? तो इसके पीछे भी दो अद्भुत कहानियां हैं। कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दे दी थी और उनके आदेश अनुसार वो स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए थे और आज भी वही निवास कर रहे हैं और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में यानी तिब्बत के कुछ खास क्षेत्र में एक ऐसी घाटी है जिसे शंगरीला घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां समय रुक जाता है। और कहते हैं कि भगवान परशुराम जी और बाकी के 6 चिरंजीवी यहीं पर मौजूद हैं जो स्वयं भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। आप ही कह रहा है, आप क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय परशुराम जी अवश्य लिखें। साथ ही से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।